मधुर, गुंजन एंड द फैमिली अगेन। हाय। इस वीडियो में हम दिल्ली मनाली का रोड ट्रिप कवर करने वाले हैं। टाइम हुआ है 4:23 PM। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज अराउंड 620 odd kilometers। हम मनाली से कुछ 15 किलोमीटर पहले नग्गर करके जगह है, वहाँ पे हॉल्ट लेंगे। सो ये हमारी ब्रेक जर्नी है, जिसमें पहला हॉल्ट जो है वो हम रूपनगर या रोपड़ जिसे कहते हैं, वहाँ जाके लेंगे। तो अभी क्योंकि हम निकले हैं 4:20 पे, सो रोपड़ इज़ अराउंड 344 odd kilometers फ्रॉम माय प्लेस। तो आई थिंक बाय इवनिंग 11 हम रोपड़ पहुँचेंगे। सो क्योंकि ड्राइव लंबी है, बच्चों के लिए हमने पीछे फ्लैट बेड बना रखा है सीट्स डाउन करके। इसको कैसे ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं सीट्स को, इसको मैंने किया था एक लास्ट वीडियो में, जो उसका लिंक मैंने यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है। तो सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने को ट्रैवलर्स के साथ शेयर करें, एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और ऐसे सिमिलर वीडियोज़ बनाता रहूँ। चलो लेट्स बिगिन द जर्नी। हम लोग तीन फैमिलीज तीन अलग गाड़ियों में मनाली के लिए निकले थे। आज की जर्नी में हम KMP होते हुए मुरथल पहुंचेंगे, और मुरथल से हम आगे सोनीपत पानीपत होते हुए अंबाला निकलेंगे, और अंबाला से रोपड़ जाएंगे। सो राइट नाउ इट्स 5:41 एंड हम लोग KMP के एग्जिट पे आ चुके हैं। सो ऑन माई लेफ्ट जो है ये मुरथल का पूरा ढाबों का एरिया शुरू हो गया है। सो रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, इनफैक्ट इट्स अ 8-lane highway नाउ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो मुरथल क्रॉस करने के इमीडिएटली ये टोल आया है, तो मेरे लिए सेकेंड टोल है इस ट्रिप का। सो 6561 की जो गाड़ी है, इन्होंने बड़ी गलत तरीके से मेरे को टेक ओवर किया, बट ठीक है। ये गुरु जिस हिसाब से गाड़ी निकाल के गए थे, लगा था कि जल्दी से निकल जाएंगे, बट इन्होंने पूरी ब्लॉक करके रख दी। कितना टोल है यहाँ पे, कितना टोल है? 95 का। वन वे। ठीक है, 95 rupees का टोल था वन साइड का। बस से पहले ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है, अभी तक तो हाईवे बहुत ही ब्यूटीफुल था, ऑलमोस्ट 8 lane का चल रहा था, बट अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया तो थोड़ा सा कंजेशन है यहाँ पे। सो पानीपत का बाईपास आ चुका है अभी। सो 6:30, हमें 2 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं, तो गुड़गांव से चले हुए। थर्ड टोल आ गया है पानीपत वाला, अभी 6:37 हुए हैं वॉच पे। इसमें कितने प्राइस लगे हैं पूरे इसके ट्रिप के टोल के। सो वी आर रीचिंग टुवर्ड्स अ फोर्थ टोल। ये तो बहुत ही जल्दी आ गया है पानीपत के टोल के बाद। आई डोंट थिंक सो हमने 60 किलोमीटर्स भी कवर करे होंगे। क्या रेट है भैया यहाँ पे, क्या कितना है चार्ज? 50 रुपए फास्टैग से 145। नो डाउट काम तो बहुत अच्छा किया है गडकरी साहब ने, बट टोल भी बहुत लगा रखे हैं। सो अभी 7 बजे हैं, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ फॉग इज हियर ऑन द रोड। सो गाइस प्लीज मेक श्योर व्हाइल यू आर ऑन द हाईवे ड्राइव केयरफुली। Suddenly बहुत ज़्यादा fog हो गई है रोड पे। At 7:40 हम लोग मन्नत हवेली पे आए हैं, ये कुरुक्षेत्र के पास है, कुरुक्षेत्र क्रॉस करने के बाद। So tired? बहुत ज़्यादा। आ जाओ फिर, सारे आ जाओ। सो हम मन्नत हवेली आके रुके हैं, इस समय हुए हैं 7:45
सो अराउंड हमने 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अभी कवर किया है. अनदर 114 किलोमीटर्स आर लेफ्ट जो कि हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ जाने के लिए. सो अभी 9:15 हो रहे हैं और अभी भी हम हवेली पे हैं यहाँ पे. सो वी हैड अवर डिनर. डिनर वाज वेरी गुड. रोपड़ पहुंचते हैं. सो अब हम लोग अंबाला कैंट को क्रॉस कर रहे हैं. तो यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है दैट्स अराउंड 75 किलोमीटर्स एंड टाइम लगेगा अराउंड 1 hour 15 minutes टू 1 hour 30 minutes डिपेंडिंग अपॉन कैसी रोड की कंडीशन है, कितनी फॉग रहेगी. और वेट 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 पीछे जाना है भाई. वो तो शिमला वाला था रास्ता. पीछे जाना है. हाँ तुमने वो जो लेफ्ट और राइट वाला था उसने कहा लिया. लेफ्ट ही लिया है ना तो चंडीगढ़ शिमला वाला. गूगल मैप से ही चल रहे हैं. गूगल मैप ने ही बोला है चंडीगढ़ शिमला वाली साइड पे जाने का, नॉट लुधियाना वाली साइड. वो लुधियाना वाली साइड पे गया. सीधा सीधा चलना है ना पूरा. हमारे गूगल मैप अटक गया इसलिए पूछ रही हूँ. अभी आगे एक टोल आएगा, टोल के बाद एक फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर के नीचे से राइट कर लेना है. सो गाइस अभी ना गूगल मैप में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था. पहले लेफ्ट पहले स्ट्रेट दिखा रहा था, देन सडनली जब स्ट्रेट जाना शुरू हुआ तो उसने लेफ्ट का दिखाना शुरू कर दिया एंड रीराउटिंग दिखाना शुरू कर दिया था. सो अब आ गया है टोल नंबर 5. कितना चार्ज है भैया? कितना चार्ज है? टैक्स 85 रुपये. 85 रुपये 85 रुपीज टैक्स है. सो ललित आगे चल रहा है तो उसने बताया है कि फॉग थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ठीक है अभी तो चलाने लायक है कार. बट हाँ ये अब 4 लेन से 2 लेन हाईवे हो गया विदाउट एनी डिवाइडर, सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे. सो मधु ने बेड बनाया था विद इन द कार जिसका डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर किड्स. वी आर नाउ एट अराउंड 11 o'clock. इट इज़ 11 PM एंड यू नो किड्स वर वेरी स्लीपी, बट थैंक्स टू दिस बेड दे आर स्लीपिंग कम्फर्टेबली एंड वी हैव नो इशूज एट ऑल एंड दैट्स द रीजन वी आर एबल टू कैच अप विद आवर टाइम. अभी वो है 11:10 रात के और हम यहाँ पहुँच गए हैं रूपनगर में हवेली में. तो हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी आफ्टरनून कह लो या इवनिंग कह लो 4:20 पे और यहाँ पे हम पहुँचे 11:10 पे. सो करीबन हमें 7 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में, जिसमें हमने अराउंड 1 hour 15 minutes का जो ब्रेक लिया था कुरुक्षेत्र में डिनर का ब्रेक लिया था. नॉट बैड, आई मीन अराउंड 350 किलोमीटर्स हमने कवर किया है अराउंड यू नो 7 hours में, और अगर ट्रैवल टाइम देखें तो अराउंड 6 hours का. तो नाइट से आज हम यहाँ कर रहे हैं हवेली के अंदर एंड कल मॉर्निंग में एम है कि अर्ली मॉर्निंग निकले. सो गुड मॉर्निंग गाइस, जो करंट टाइम है वो 7:20 के आसपास है एंड अगर आप पीछे देखोगे तो ये सारा एरिया फॉग में है. इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग हमें 6 बजे निकलना था यहाँ से, बट फॉग बहुत ज़्यादा है एंड व्हाट होटल पीपल आर एडवाइजिंग कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो थोड़ी सी डेंस और हो सकती है, तो उन्होंने एडवाइस किया थोड़ा लेट निकलने के लिए. अभी तो होटल में वेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे देन इसके बाद अराउंड टारगेट कर रहे हैं 8:39 के आसपास निकलने यहाँ से. तो अभी हो रहे हैं 10:15 एंड हम लोग अब निकलेंगे मनाली की तरफ. नागर में हमारा स्टे है. सो यहाँ से नागर का जो डिस्टेंस है दैट्स अराउंड 270 odd kilometers. गूगल मैप से दिखा रहा है 7 hours. सो आई कीप यू पोस्टेड. सो टोल नंबर 6. क्या रेट क्या है यहाँ पे? टोल का क्या चार्ज है? 55. तो गाइस गुड़गांव से एटलीस्ट 2.5 रुपये सस्ता है डीजल पंजाब में. ये अभी पंजाबी है ना? हिमाचल में क्या रेट है? हिमाचल में और डाउन है.
So it's like what? 11:10 and finally there's no fog. So bright sunny now. So the 7 number, the toll is not active yet. There's another toll. This is toll number 8. क्या पे कर दिया भैया? तो ये क्या ग्रीन टैक्स है? ये ग्रीन टैक्स है? नहीं नहीं नहीं, फिर एंट्री पे हिमाचल एंट्री हो गया आपका। तो ये मेरा जो टैक्स है वो शरद ने पे कर दिया था, तो 70 रुपीस सिंस टू बी। तो बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी, ऐसा नहीं कि पूरा हाईवे बना पड़ा है अभी, नहीं स्टार्टिंग ही है। स्वाघाट अभी भी अराउंड 10 किलोमीटर दूर है। इट्स एविडेंट वो वहाँ पे एक टनल बनी हुई है और टनल का काम अभी चल रहा है, ये कनेक्ट करेंगे इसको टनल से। यहाँ पे डबल लेन वापस आ गया। आई नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं यहाँ पे अभी, पैच ही पैच वर्क हो रखा है यहाँ पे और ट्रक्स बहुत सारे हैं। तो पूर्णम होटल्स जो हैं वो एक और जगह है जो बिलासपुर में है। सो अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हो अपनी जर्नी फर्स्ट डे पे, तो आप यहाँ तक यहाँ पे भी रुक सकते हो। हेलो क्यूटी पाए। सो अभी हुए 1:15 और हम लोग अभी जो है सुंदर नगर से अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले हैं। सो एटलीस्ट थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके अभी। तो यहाँ से जो मनाली दिखा रहा है वो दिखा रहा है 163 किलोमीटर। सो ये जर्नी थोड़ी सी टायरिंग है। मेरे को लगा था कि 4-lane एक्सप्रेस वे बन चुका है, बट अभी तक 4-lane एक्सप्रेस वे बना नहीं है। स्टार्टिंग का 5 किलोमीटर्स के आसपास तक का एरिया 4-lane था, 5 to 10 किलोमीटर्स। उसके बाद से ये अपना डबल लेन ही चल रहा है। एंड बीच में बिलासपुर तक तो रोड भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे वाली थी एंड ट्रक्स का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा था। दिस इज़ अ 4-lane हाईवे जो सुंदरनगर के पहले से शुरू हो जाता है। सो अभी है 3:30 के आसपास का टाइम, वी रीच टू मंडी। सो ये हाईवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है, कंप्लीट तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बट द गुड पार्ट इज ये टोल भी अभी चल नहीं रहा। तो अब जो ये इन्होंने बनाया 4-lane हाईवे, ये बाईपास कर गया है ऑलमोस्ट सारे कुल्लू को। जैसे इट सीम्स वी हैव ऑलरेडी बाईपास कुल्लू, तो जो ट्रैफिक जाम लगता था वो सारा ख़त्म हो गया। अब हम डायरेक्ट मनाली की तरफ निकल गए। फाइनली मैं अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, जो कि है आपका ये आनंद वर्धन रिसोर्ट करके नागर में। यहाँ अब मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। जो कल 4:30 के आसपास चले थे और अभी 6:30 के आसपास हम पहुँचे हैं। हमें वैसे देखेंगे तो 26 आवर्स अपने को लगे हैं यहाँ पहुँचने में, बट जो हमारा एक्चुअल ड्राइविंग टाइम जिसे कहते हैं या ट्रैवलिंग टाइम, वो 12 hours 30 minutes का ही था। रास्ते भर में पूरे फॉग थी, तो हम धीरे केयरफुली चलाते हैं। एंड सेकेंड, पूरे रास्ते बायो ब्रेक्स बहुत लिए हैं, लोगों को वॉमिट्स बहुत आई हैं, तो इस चक्कर में हमने गाड़ी स्लो चलाई। दिल्ली से मनाली आने में 4-lane नहीं है, आपको बीच में पैचेस में ज़रूर मिलेगा। आपको मंडी से कुल्लू के रास्ते का बहुत बढ़िया हो गया है, वहाँ कोई टाइम नहीं लगेगा, इट्स लाइक 4-lane नाउ। बट बीच बीच में जो पैचेस में आपके अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स मिलेंगी
या आपके बम्पी राइड मिलेगी, उस वजह से आप जो नॉर्मल एवरेज स्पीड है गाड़ी की वो आप 60 के ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के इस वीडियो में आप होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी अपने ट्रैवल को प्लान करने के लिए। एंड अगर आपने अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलो नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।